हेलो दोस्तों, मैं मीना सिंह। स्वागत है आपका हमारे किचन में। और आज हम बनाने हैं हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। और जब आपको खाना हो तो थोड़ी मात्रा में ही लगाइए और इसको खा के इंजॉय करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम हरी मिर्च। ये मोटी वाली हरी मिर्च है, ये उतनी तीखी नहीं होती है जितनी कि वो पतली वाली होती है। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे दरदरा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये देखिए, सारी मिर्चों को हमने धो के पहले साफ़ कर लिया है और उसके बाद हम काट रहे हैं। तो वो प्रोसेस हमने आपको नहीं दिखाया है। तो आप मिर्चों को पहले अच्छे से साफ़ कर लें और लंबे में या गोल में कैसे भी काट सकते हैं। और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। और बाउल में हम सारी मिर्ची ऐड करने के बाद उसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हमने डाला अजवाइन और मंगरायल। उसके बाद हम डालेंगे काला नमक थोड़ी मात्रा में, काली मिर्च का पाउडर, और ये है हमारा पंचफोरन वाला पिसा हुआ मसाला। और ये डाला हमने हल्दी, नमक, और ये है सरसों का पाउडर। ये हम ऑलरेडी पीस के रखते हैं। और अब हम डालेंगे नींबू का रस। आप इसके जगह पे खटाई भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम डाल देंगे सरसों का तेल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे क्योंकि इसे अभी हमें धूप में भी दिखाना है। तो ये देखिए, हमारा अचार मिक्स होकर तैयार हो गया। तो अब हम इसे एक दो दिन के लिए धूप दिखा देंगे और उसके बाद हम इसको पहले टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको जार में भर के रेडी करेंगे। तो ये देखिए, जार में हमने थोड़ा थोड़े करके डाल दिए हैं। और ये हमें थोड़ी मात्रा में ही बनाना था। ये ताज़ा ताज़ा बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।